नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर स्वागत है ए के वी अकेडमी में। बहुत बच्चे कमेंट आ रहे थे सर इसका एसएससी जीडी का रिजल्ट कब तक आएगा, हम रिजल्ट के आधार पर ही अपनी रनिंग तैयारी शुरू करने चाहेंगे। लेकिन मैंने उनको पहले बताया था, कमेंट में बताया, वो फिर आज आपकी वीडियो इसलिए भी बना रहा हूँ कि आपको पता चले कि आपको रनिंग तैयारी करनी चाहिए नहीं चाहिए। जो कट ऑफ मैंने आपको पिछली बार वीडियो में बताई थी, उस कट ऑफ में यदि आपके नंबर है तो आपको रनिंग तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए। रनिंग के लिए मैंने इतने बताया था कि रनिंग सुबह 6 बजे मत करना, रनिंग स्टार्ट करना मॉर्निंग में 9 बजे, क्योंकि दौड़ जो स्टार्ट होती है ना फिजिकल की, वो मॉर्निंग में 6 बजे स्टार्टिंग करते हैं। समथिंग पहले बैठाते थोड़ी देर, फिर घुमाते इधर उधर, तो सही उनकी एनर्जी खत्म करके ये स्टार्ट करते हैं 9 बजे के लगभग। तो अपनी भी तैयारी ना 9 बजे करना, ये मत करना कि सिविल चार बजे दौड़ मार के आ गए घर पर लेट गए, नहीं, दौड़ मार के आना 9 बजे, उसके बाद में अपना हल्के से चने पने खाना, फिर उसके बाद थोड़ा वर्कआउट करना, तो उससे आपकी जो रनिंग तैयारी होती रहेगी। चलो मैं इसमें पहले कुछ वीडियो में बताता हूँ कि आपको इसका रिजल्ट कब तक आएगा, और थोड़ा पिछली वाली कट ऑफ भी आपको मैं एक बार बताता हूँ। देखो एसएससी जीडी का रिजल्ट 2023 टोटल पोस्ट की 45,284, सबको बता 45,284 बहुत सीट थी कि यदि पढ़ने वाले बच्चे सबके नंबर आएंगे। रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। दो मेल की जो कट ऑफ थी मैं पहले दोबारा बता रहा हूँ एक बार, यूआर की कट ऑफ थी 105 से 115, अब बताता है इसमें 80 क्वेश्चन आए थे, 80 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दो नंबर का, तो 160 नंबर बैठेंगे आपके, ठीक है। तो 160 में से ये आपके नंबर है, यदि जिसके यूआर वाले के इसके इतने देर बीच में आए तो वो अपने फिजिकल तैयारी करने शुरू कर दे। ईडब्ल्यूएस वाले का 95 से 105, ओबीसी का 105 से 115, एससी का 85 से 95, एसटी का 80 से 90। फीमेल में देखो यूआर वाले 90 से 100, ये मत कहना कि इनकी कट ऑफ इतनी कम क्यों है, मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था जो हम बता रहे कि अगर यदि जिसके इसमें है वो फिजिकली तैयारी करना शुरू कर दे। ईवीएस की 90 से 100, ओबीसी की 90 से 95, एससी की 80 से 85 और एसटी की 70 से 80, ये कट ऑफ आपकी है। ये कट ऑफ लागू किसको होगी, जो साउथ वाले जैसा कर्नाटक केरल तमिलनाडु, उनकी कट ऑफ इससे थोड़ी कम जाएगी, इसमें कम से कम उनके नंबर कम से कम 4 नंबर या 5 नंबर माइनस कर लेना। और जैसे चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ दिल्ली को छोड़ के और बाकी जो केंद्र शासित राज्य है ना अपने, उनकी कट ऑफ कम जाएगी, जैसे अंडमान निकोबार, पुडुचेरी और अपने ये हुए क्या नाम है लक्षद्वीप को आरती, जो भी है ना ये उनकी कट ऑफ हमारी इससे पहले से भी कम जाएगी, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताऊँ रनिंग पता है, एक बार दोबारा बता रहा हूँ कि 5 किलोमीटर की दौड़ होगी 24 मिनट में। दौड़ में क्या करना, आपको जिस बच्चे की फिजिकल थोड़ा कम हो उसे क्या करना चाहिए, मैं खुद उत्तर प्रदेश पुलिस में गया हूँ, मैंने खुद 1 साल ट्रेनिंग में दौड़ मारी, उससे पहले मैंने काफ़ी दौड़ मारी, तो इसके अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ आपको। 5 किलोमीटर की दौड़ बिल्कुल सिंपल दौड़ होती है, बस क्या करना है इसको आपको लगातार भगते रहना, बस बीच में ब्रेक मत लेना कि चले 1 किलोमीटर फिर रुक के बैठे, वरना उसकी आपको दिक्कत हो जाएगी। 5 किलोमीटर दौड़ मारने के लिए आपको क्या करना है कि पहले रोजाना कम से कम 7-8 किलोमीटर दौड़ मारेंगे, इससे आपका स्टेमिना बढ़ जाएगा। और आप बताओ जब जाएंगे ना आप, जब आप फिजिकल देने जाएंगे तो आपको 5 किलोमीटर बहुत सिंपल लगेगी। जब मैंने अपने उत्तर प्रदेश पुलिस की सिपाही के लिए दौड़ मारनी स्टार्ट करी थी उसमें 4800 मीटर था, तो मैं रोजाना 10 किलोमीटर दौड़ की तैयारी करता था, तो जिससे मैंने जब यूपी पुलिस में 4800 मीटर की दौड़ हुई बिल्कुल सिंपल लगी, ऐसे नहीं लगा कि मैंने कुछ दौड़ भी मारी है। फीमेल के लिए 1600 मीटर 8.5 मिनट में और हाइट 170, और फीमेल के लिए 157, ठीक है, ये फीमेल के लिए। और तो इसका रिजल्ट आपका अप्रैल के फर्स्ट वीक में कंफर्म आ जाएगा। ये मत पूछना कि आपको कैसे पता, हर चीज यूट्यूब पर नहीं बताई जाती, तो इसलिए जो बता रहा हूँ मैं कंफर्म बता रहा हूँ कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में इसका रिजल्ट, हाँ एक आध दिन आगे पीछे हो सकता है, यानी कि आपको बिल्कुल एवरेज दिन पहले के दिन दूसरे दिन तीसरे दिन चौथे दिन, हाँ ये ना कन्फर्म है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो आज की वीडियो बनाने का यही मोटिव था कि आपको रिजल्ट बता दूँ, बहुत अच्छे कमेंट कर रहे थे, तो यही आज की वीडियो का पर्पज था कि आज आपको रिजल्ट बताऊँ आपको इसका
क्या चले क्या रहेगा। और इतने लास्ट में बोलना चाहूंगा, यदि जिसके कट ऑफ के अंदर नंबर आते हैं उसको फिजिकल तैयारी करने शुरू कर दो, ठीक है। फिर भी मौका नहीं मिलने का। ये जो एक बार आपने सपोज पेपर पास भी कराते हैं मन से और आप फिजिकल बनाएंगे, आपको बहुत दिन आपको हमेशा याद रहेगा कि मैंने पेपर पास कभी करा और मैं दौड़ नहीं मार पाया। तो ठीक है भाइयों, तो आज की वीडियो में इतने काफ़ी है। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।